मैं एमसीएम न्यूज अपडेट पर आपके साथ हूँ सबसे सुपर फास्ट बुलेटिन लेकर। बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे कि निर्मला सीतारमण ने सरकार की तरफ से कौन सा ऐसा ऐलान किया जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और पेंशनधारियों को फायदा हो सकता है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब छात्रों को, पहले से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही 12 नए चैनलों का भी घोषणा हुआ। इसके साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि देश में और कितने दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड शख्स पैसों के बदौलत से मर्डर करवाया, उसके बाद 25 साल बाद हुई उसकी गिरफ्तारी। चीन की सच्चाई का हो गया खुलासा। चीन ने अब कबूला कि उसने कोरोना वायरस उसके लैब से निकली थी। तो क्या थी इसकी सच्चाई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही कहाँ निकली नौकरियाँ, कौन से सस्ते से फ़ोन आप ले सकते हैं, इन सभी तमाम बड़ी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सबकी ताज़ा जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और MCM न्यूज़ अपडेट्स पर देखते रहें। तो आइए नज़र डालते हैं आज के सबसे सुपर फास्ट बुलेटिन पर। देश भर में 14 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना में जकड़े महाराष्ट्र का बड़ा फैसला, 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। राज्य में अब तक 30,000 से ज़्यादा कोरोना केस, 11 से ज़्यादा मौत। राहत पैकेज के पांचवी किस्त में गांव मजदूरों के सूद, मनरेगा में 40,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड। डिजिटल शिक्षा पर नए प्लान, गांवों तक स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने का भी ऐलान। प्रवासी मजदूरों के पीड़ा पर राजनीतिक वार पलटवार, कल राहुल गांधी का तंज, साहूकार की तरह ना सोचे सरकार, आज निर्मला का जवाब, कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ दिखावा। निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी, जरूरतमंद छात्र स्वयं प्रभा DTH सेवा से कर सकते हैं पढ़ाई। DTH सेवा से पढ़ाई करने के लिए डिजिटल शिक्षा का भी किया गया ऐलान। फिलहाल ऐसे 3 चैनल, कुल 15 ऐसे चैनल चलाए जाने की है योजना। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 8,19,00,000 किसानों के खाते में सीधे रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। 25 करोड़ लोगों को मुफ्त में गेहूँ चावल दिया गया। दीक्षा के जरिए छात्रों को ई कंटेंट मुहैया करवाया जाएगा। कम्युनिटी रेडियो से छात्रों को दी जाएगी मदद। 100 टॉप यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन पढ़ाई की इजाज़त। हेल्थ बजट बढ़ाएगी सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में हर ब्लॉक में पब्लिक हेल्थ लैब बनाएगी। निर्मला सीतारमण ने कंपनी टेस्ट के में बदलाव की दी जानकारी। CSR बोर्ड रिपोर्ट की कमी, फाइलिंग की चूक को अपराध की सूची से हटाया। पेंशन जारी करने के लिए बैंक को निर्देश, बुजुर्गों को मिलेगी सहूलियत। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किए निर्देश कि बैंक पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशन भोगी को काउंटर पर उपस्थित रहने पर जोर नहीं देना होगा। देश में कोरोना का कहर जारी, कोरोना के केस में 90,927 तक पहुंचे। देश में कोरोना से अब तक 2,872 लोगों की जा चुकी है जान, 34,109 मरीज हुए स्वस्थ। सहारनपुर के अम्बाला में हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का जबरदस्त हंगामा। सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग भवन के शेल्टर हाउस में ठहरे मजदूरों घर जाने के लिए हुए बेताब। बिहार जाने के लिए सिर पर साजो सामान रखकर पैदल निकले मजदूरों ने रोक जाने पर किया बवाल। दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल में 6 और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना। मेडिसिन डिपार्टमेंट में आधा स्टाफ होम क्वारंटीन। दिल्ली के शिक्षक की कोरोना से मौत। शकरपुर के MCD स्कूल में राशन बांटने की ड्यूटी में लगा था शिक्षक। डोडा में सेना का ऑपरेशन खत्म, हिजबुल के 2 आतंकियों को किया ढेर। सेना ने 1 आतंकी की पहचान कर ली है, ये शख्स ताहिर अहमद भट्ट है, जबकि दूसरे आतंकी की पहचान जारी है। गंभीर ने अफरीदी को दिया मुंहतोड़ जवाब, इमरान बाजवा को कहा जोकर। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 16 साल के आदमी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान के 7,00,000 फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। फेक न्यूज़ पर मुंबई पुलिस ने शेयर किया बताल लोग का मीम, हो रहा वायरल। लिखा, जब फेक न्यूज़ फैलाने वालों ने पूछा जाता है तुमने ये न्यूज़ कहाँ से पढ़ी, तो कुछ ऐसा जवाब मिलता है कि वो व्हाट्सएप से पढ़े। Redmi 8 को पीछे छोड़ Galaxy A51 बना सबसे ज़्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड स्मार्टफोन। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग का Galaxy A51 स्मार्टफोन 2020 की पहली तिमाही में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिका। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने अपनी पत्नी से लिया हेयर कट, कहा लॉकडाउन में ये नॉर्मल। उन्होंने खुद किया फोटो फेसबुक पर शेयर।
स्टडी में दावा, गर्भवती महिलाओं में कोरोना वायरस का गंभीर खतरा नहीं। स्टडी के अनुसार गर्भवती महिलाओं में संक्रमण फैलाने का गंभीर खतरा नहीं है। यह रिसर्च 1 मार्च से 14 अप्रैल तक इंग्लैंड के NHS अस्पताल में भर्ती 427 गर्भवती महिलाओं पर किया गया। ट्रंप पर फिर बरसे ओबामा, बोले उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। न सिर्फ ट्रंप की कड़ी आलोचना की है बल्कि यह भी कहा है कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ब्लैक स्टूडेंट के दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन संबोधित करते हुए ओबामा ने कही ये बात। सही साबित हुआ आरोप, चीन ने नष्ट करवाए थे कोरोना के शुरुआती सैंपल। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को चीन के नेशनल हेल्थ कमिश्नर के सुपरवाइजर लियुंग डेंगफेंग ने माना कि 3 जनवरी को चीन की सरकार ने आदेश जारी किया था कि अनाधिकृत लैब से कोरोना वायरस के सैंपलों को नष्ट किया जाए। फ्रांस में छिपे हुए अफ्रीका के मोस्ट वांटेड मैन गिरफ्तार शख्स का नाम है फेलिसियन कबूगा। 800,000 लोगों की हत्याओं के पीछे कबूगा का हाथ। पैसे, हथियार के दम पर कराई 800,000 हत्या, 25 साल बाद छिपने के बाद हुए अरेस्ट। ऐसे तमाम बड़ी जानकारी और बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें MCM न्यूज़ अपडेट्स पर। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।